जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक और नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। तो जो आज की हम जॉब आपके लेके आए हैं, द उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, यहाँ पर तमाम अलग अलग वैकेंसी हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन है, सब कुछ डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और पूरी PDF आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज आप हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप यूके डिजास्टर रिकवरी डॉट इन, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। अदरवाइज इस पे भी जो है, आप जो है डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सीनियर जो है रिस्क मैनेजमेंट के तहत आप देख सकते हैं, स्पेशलिस्ट डेप्टी प्रोग्राम मैनेजर की एक जॉब है। मास्टर और PG साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इन सब में आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट, इसके लिए भी एक वैकेंसी है, बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मास्टर। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज अडेप्शन एक्सपर्ट, एक पोस्ट है, मास्टर इन क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट साइंस आपके पास होना चाहिए। देन GIS एंड रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट, इसके लेकर लगातार अलग अलग भर्तियां उत्तराखंड में निकलते रहती हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक हिल एरिया है। तो एक पोस्ट निकली है, मास्टर इन GIS एंड रिमोट सेंसिंग में आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हैजार्ड एनालिस्ट, जो कि सिविल की है, एक पोस्ट है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, या फिर सिविल में भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हैजर्ड मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक पोस्ट निकली है, IRS एक्सपर्ट आप देख सकते हैं। उसके अलावा सीनियर आर्किटेक्ट, IT एक्सपर्ट, उसके अलावा जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल, उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं अकाउंट एक्सपर्ट, यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑफिस मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ वर्कर, दो तो अलग अलग तरह की जहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर की यहाँ पर जो है भर्ती हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह के अलग अलग जो है ये वैकेंसियाँ ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग पोस्टों के लिए 16 अलग अलग तरह की यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ कंडीशन आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो ऊपर पोस्टेज निकली है उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या आपको करना है, लोकेशन कहाँ पर आपकी जॉब रहेगी, है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको हैंडल करने। तो आप देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन, स्कोप ऑफ वर्क दिया हुआ। अगर मैं नीचे सबसे लास्ट पोस्ट में अकाउंट्स की यहाँ पर मैं कहूँ तो देखते हैं, एकदम नीचे हम बॉटम में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है, मल्टीपर्पज़ वर्कर, जो सबसे इंटरमीडिएट स्तर की है, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड में ही आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। उसके अलावा क्या रिस्पॉन्सिबल टू प्रोग्राम डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, मैनेजर, रिपोर्टिंग ऑफिसर, मैनेजर ऑफिसर मैनेजमेंट, ठीक है। कैरिंग आउट डे टू डे वर्क रिक्वायर्ड इन द ऑफिस ऑफ, ठीक है। बैकग्राउंड क्या क्या होना चाहिए, बाकी सब कुछ आपका पर्पज ऑफ द जॉब क्या रहेगा आप देख सकते हैं। पर्सनल स्पेसिफिकेशन, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वर्कअप स्कोप क्या क्या आपको करना पड़ेगा वो भी आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। तो सब कुछ डिटेल आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, पूरी PDF मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर कर दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी अप्लाई केवल ऑनलाइन ही होगा, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।